नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। राहुल गांधी सरकारी हेलीकॉप्टर से मणिपुर के चूराचांदपुर पहुंच गए। यहां रिलीफ कैंप में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उन्हें मोईरांग जाना था, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। राहुल चूराचांदपुर में ही हिंसा प्रभावित लोगों से मिलकर अब इम्फाल लौट रहे हैं, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष किशम मेघचंद्र ने बताया कि राहुल के कल के कार्यक्रम को लेकर अभी कुछ तय नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं मणिपुर के अपने सभी भाई बहनों को सुनने आया हूं। सभी समुदाय के लोग बहुत स्वागत और प्रेम कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को उपचार की जरूरत है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे पहले गुरुवार को वे हिंसाग्रस्त चूराचांदपुर रिलीफ कैंप जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने करीब 34 किलोमीटर पहले विष्णुपुर में उनका काफिला रोक दिया। पुलिस ने कहा था रास्ते में हिंसा हो सकती है। इसके बाद वे इम्फाल लौट आए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विष्णुपुर जिले में हाईवे पर टायर जलाए गए थे और काफिले पर कुछ पत्थर फेंके गए थे, इसलिए सावधानी रखते हुए काफिले को विष्णुपुरा में रोका गया। राहुल का काफिला रोकने के बाद यहां एक गुट उनके समर्थन में जबकि दूसरा उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस बीच सेना ने कहा कि हथियार लिए दंगाइयों ने मणिपुर के कांगपोक्पी जिले में सुबह 5:30 बजे गोलीबारी की है। सेना ने इसका जवाब दिया और वहां स्थिति अब काबू में है। बाद में वहां से एक शव बरामद हुआ है।